अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज पूरी रात हमारे गांव में बरसात हुई है और सुबह में जैसे उठा तो पूरे मोहल्ला में जो है कीचड़ वगैरह लगी हुई थी। और फिर मैं चला आया अपने खेतों के पास तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा नज़ारा मैंने देखा। सोचा तो अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर को भी दिखा दें। तो चलो साथ रहिए अगले वीडियो में। तो भाई माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मंज़र है, आप देख रहे हैं ये हमारी खेतों में। माशाल्लाह बारिश के बाद ये जो है तमाम बेहतरीन मंज़र हैं, देखने के काबिल हैं। और ये देखें माशाल्लाह क्या बात है। वैसे तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि बारिश के बाद गांव का मंज़र जो है देखने के काबिल होता है, तो आज देख भी लें। चलो क्या बात है, ओ माशाल्लाह बेहतरीन मंज़र है ये देखो। और उसके साथ साथ ये जो है बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। तो भाइयों, आप भी सोचते रहते होंगे कि हम भी बरसात के बाद जो है गांव में घूमने जाएं। तो यार दरअसल बात ये है कि सिर्फ़ आप ये देख रहे हो, अब देखो ये माशाल्लाह। और जो है गलियों में, गांव की गलियों में ये हालात होते हैं माशाल्लाह। ऊपर आप देखेंगे तो हम जो है कोमरी में देख नज़र आएंगे, लेकिन नीचे देखने के बाद पता चलेगा कि ये तो एक सिंध का गांव है। अब बड़े अफसोस से कहना चाहते हैं कि हमारी सिंध को अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत ही खूबसूरतों से नवाजा है, लेकिन हमारे हुक्मरान, ये हमारे स्कूल है, स्कूल के सामने अब बच्चे कैसे पढ़ेंगे और पढ़ते होंगे। ये देखो माशाल्लाह कितने कितने खूबसूरत मंजर हैं, लेकिन गांव की गलियों का हाल ये है। अब ये गांव वाले बेचारे गुजर रहे हैं, देखो आप बड़ी मशक्क़त उठा के। ये मेन गांव की जो है गली है, यहाँ से गांव शुरुआत में ही ऐसे है, ये गांव शुरू हो रहा है और यहाँ से शुरुआत में ये देखो आप बड़ी मुश्किल से बेचारे क्रॉस कर रहे हैं। और सुनाओ, तो आपके पास भी यही हालत नहीं, आपके पास कुछ बेहतरी है माशाल्लाह। ये देखें आप, वीडियो के आखिर में आपको कुछ बहुत ही अच्छी और ख़ासी वीडियो दिखाता चलूँ। साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, शुक्रिया।